जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरी हमेशा यही ख्वाहिश रहती है कि मैं आपको आपकी कुंडली के अनुसार कुछ सरल उपाय बताऊं जो आपके लिए लाभकारी है। और प्रिय दर्शकों, आने वाली वीडियो में हमने कुछ कुंडली का विश्लेषण किया है, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियो भी आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं मेष राशि से मीन राशि के विषय में। देखिए, सबसे पहले आज के पंचांग की बात करते हैं। दिनांक बुधवार और 19 जनवरी 2022, महीना पोष, नक्षत्र अश्लेषा, सूर्योदय सुबह 7:14, सूर्यास्त 5:49, चंद्र राशि कर्क राशि है और राहु काल 12:31 से 1:51 तक है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तिथि द्वितीय है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको आज का एस्ट्रो टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, तो वीडियो को आप पूरी जरूर देखना। तो प्रिय दर्शकों, मेष राशि के विषय में देखिए, मेष राशि वाले आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता आपको जरूर मिलेगी और धन लाभ की भी स्थिति जो आपकी बन रही है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन अनावश्यक खर्च की दिक्कत से आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर आपकी हो सकती है। परिवार का माहौल आज आपका अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी बातों से किसी को ठेस न पहुँचे। परोपकार की भावना से गरीबों की मदद आप जरूर कर सकते हैं। स्वास्थ्य के साथ साथ संतानों की पढ़ाई लिखाई की भी चिंता आपको आज जरूर रहेगी। शुभ रंग आपका जो है बैंगनी है और शुभ अंक आपका 9 है। वृषभ राशि, आज का दिन मिला जुला कर आपका रहेगा। व्यवसाय के विस्तार की योजना आप बनाएंगे, लेकिन अपेक्षित सफलता न मिलने से मन में व्यग्रता भी आपकी रहेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा सा थकान का अनुभव आप करेंगे। परिवार का माहौल आज आपका थोड़ा अच्छा रहेगा और परिजनों का भरपूर सहयोग भी आज के दिन आपको जरूर मिलेगा। बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना आपकी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। शुभ अंक आपका 5 है और रंग जो आपका गुलाबी है। मिथुन राशि, देखिए आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। नकारात्मक विचारों से आप बिल्कुल दूर रहे, अन्यथा बड़ा नुकसान होने की संभावना आपके साथ रह सकती है। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता आपकी रहेगी, जिसमें मन थोड़ा सा आपका चिंता वगैरह रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर आप खुद संयम रखें। नए कार्यों की शुरुआत करने से आप बचें। परिवार का माहौल आज के दिन आपका अच्छा रहेगा और परिजनों का सहयोग भी आपको आज के दिन पूरा मिलेगा। सेहत का ध्यान रखने की अवस्था आपको जरूरी है। शुभ अंक आपका 1 है, शुभ रंग आपका नीला है। कर्क राशि, आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी और धन लाभ की स्थिति आपकी बन रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन के साथ आय वृद्धि के योग भी आज बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में निकटता और मधुरता आज के दिन आएगी। सामाजिक कार्यों में भाग आप ले रहे हैं, जिससे समाज में आपका मान सम्मान जरूर बढ़ेगा। शुभ अंक आपका 7 है, शुभ रंग आपका हरा है। सिंह राशि वाले, देखिए आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के योग आपके अनुकूल आज के दिन रहेंगे और आर्थिक योजनाएं सफल भी होंगी। व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक लाभ की स्थिति आपकी बन रही है। अधिक लोगों के साथ संपर्क बना रहेगा आज के दिन आपका, जो भविष्य के लिए फायदेमंद आपके लिए रहेंगे। कारोबार को लेकर प्रवास की भी संभावना आपकी बन रही है। शुभ अंक आपका 11 है और शुभ रंग आपका भूरा है। कन्या राशि वाले, आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कारोबार अच्छा चलेगा और धन लाभ की स्थिति भी आपकी रहेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग आपके बन रहे हैं। हालांकि कार्य के क्षेत्र में काम की अधिकता आपकी बहुत रहेगी, लेकिन अपने प्रयासों से कार्य सफल होंगे। वाणी की मधुरता से अन्य लोगों को प्रभावित कर पाएंगे आप, और साथ ही उनके साथ संबंध भी मजबूत आपके होंगे। अनावश्यक खर्चों से आप बचें और क्रोध पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें। आपका शुभ अंक 8 है, शुभ रंग आपका नीला है। तुला राशि, आज का दिन आपका सामान्य रहेगा और व्यापार की गतिविधियों में छोटी छोटी बंधाई आज के दिन आपके साथ आ सकती है, जिससे मन में अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन कठिन परिश्रम से कार्यों में सफलता आपको जरूर मिलेगी। परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको हो सकती है और खान पान का आप जरूर ध्यान रखें। शुभ अंक आपका 3 है, शुभ रंग आपका पीला है। वृश्चिक राशि, आज का दिन मिला जुला कर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार धंधा अच्छा भी चलेगा और धन लाभ की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चे बढ़ने से मानसिक रूप से व्यग्रता का अनुभव होगा। क्रोध पर नियंत्रण, वाणी पर आप संयम रखें, अन्यथा विवाद में भी फंस सकते हैं। रुपए के लेन देन से आपको आज के दिन बहुत जरूरी बचना होगा। शुभ अंक आपका 5 है, शुभ रंग आपका गहरा नीला है।
धनु राशि, आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता आपकी रहेगी और दिन भागदौड़ में बीतेगा। कारोबार विस्तार की योजनाएं आप बना सकते हैं, लेकिन अपेक्षित सफलता न मिलने से मन में दुविधा भी आपकी रहेगी। फिर भी परिजनों के साथ अच्छा वातावरण प्राप्त करने से आपकी प्रसन्नता में वृद्धि जरूर होगी। स्वास्थ्य खराब होने की संभावना आपके साथ आज के दिन रहेगी। शुभ अंक आपका 6 है, शुभ रंग आपका सुनहरा है। मकर राशि, आज का दिन शुभ फलदायी आपका रहेगा। कारोबार में आर्थिक लाभ और नौकरी में तरक्की के योग आपके बन रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ की संभावना भी आपकी बन रही है। मित्रों और स्नेह जिनों के साथ आनंदी भेंट भी हो सकती है। किसी यात्रा पर जाने का आयोजन आपका बनेगा। संतानों की पढ़ाई की लिखाई की चिंता आपको सता सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और परिजनों के साथ आनंदपूर्वक समय व्यतीत आपका रहेगा। शुभ अंक आपका 2 है, शुभ रंग आपका हरा है। कुंभ राशि वालों का आज का दिन मिला जुलाकर ठीक ही रहने वाला है। कारोबार में बाधाएं आ सकती है और कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी। क्रोध पर नियंत्रण एवं वाणी पर संयम रखना होगा, वरना अनावश्यक वाद विवाद में भी ये लोग फंस सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और कोर्ट कचहरी के कार्यों से इन लोगों को आज के दिन बचना चाहिए। शुभ अंक का 5 है और शुभ रंग का लाल है। मीन राशि वालों का आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। व्यापार क्षेत्र में विशेष लाभ मिलने के योग इनके बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी, लेकिन अपने प्रयासों से कार्यों में सफलता मिलेगी। पुराने मित्रों से मुलाकात इनकी हो सकती है, जो कि लाभदायक भी रहेगी। जिनका विवाह नहीं हो रहे हैं उनके विवाह के योग भी बन रहे हैं। परिजनों के साथ रमणीय स्थल पर प्रवास होने की पूरी संभावना इनकी बन रही है। सेहत को लेकर सतर्क रहने की इनको बहुत आवश्यकता है। इनका शुभ रंग 5 है और शुभ रंग इनका नारंगी है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया मेष राशि से मीन राशि के विषय में। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको आज का एस्ट्रो टिप्स बताने वाला हूं, जो बहुत ही लाभकारी है। देखिए, दिन बुधवार है। अगर आप बुधवार को, हर बुधवार को अगर गाय को चारा खिलाते हैं, या साल में एक बार अपने वजन के बराबर गाय को अगर आप चारा खिलाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आपकी आर्थिक स्थिति, और अगर आप कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, तो वो भी आपकी दूर होने की संभावना है। और व्यापार क्षेत्र में तो आपको बहुत ही सफलता इस उपाय को करने से मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, अगले वीडियो में कुछ विशेष लेकर आने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। जय भैरव बाबा की।